The world is going through its worst phase as we all are scared. हम सभी लोग इस वक्त जो कोरोना वायरस की वजह से एक डर हवा में फैल गया है उसे लेकर चिंतित हैं, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर, अपने बच्चों की प्रोटेक्शन को लेकर. एंड एक्चुअली पेरेंट्स और भी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि वो सब अपने बच्चों को लेकर और उनकी सेफ्टी को लेकर सोच रहे हैं कि कैसे हम अपने बच्चों को सेफ रख सकें. तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम इसी बारे में बात करें. नमस्कार, मैं हूँ जूही परमार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. सो आज मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करूंगी जो मैं कोशिश कर रही हूँ समायरा को सेफ रखने की और प्रोटेक्टेड रखने की. सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमें इंडोर रहना चाहिए, यानी घर में रहना चाहिए. सोशलाइज नहीं करना चाहिए इस वक्त ज़्यादा जो अननेसेसरी हो, और प्ले एरियाज में जाना या ऐसी जगह जाना जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो सकती है या अननोन लोग हो सकते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि वो कहाँ से आए हैं, अगर उन्हें कोई इन्फेक्शन है या नहीं. सो बेस्ट सेफ्टी इज़, जैसे कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर. उसी तरह से मुझे लगता है कि हम अपने आप को ऐसी जगह पर एक्सपोज ही ना करें जहाँ से किसी भी किस्म से कोई भी इन्फेक्शन हमारे साथ आ जाने का या हम कैरी कर लें ऐसा कोई भी रिस्क हो. इसलिए ट्राई टू स्टे इनडोर एज मच एज पॉसिबल. उसके बाद मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बेबीज़ को वाइटमिन सी, मल्टीवाइटमिन्स और जिंक दें सो दैट उनकी इम्यूनिटी हाई रहे. बहुत बेसिक सी बात है कि कोल्ड, कॉफ या वायरल होने से इम्यूनिटी लो हो जाती है, और किसी और किस्म के जो ज़्यादा डेंजरस वायरसेस हैं उसे कैच करने के लिए हमारी बॉडी प्रोन हो जाती है. हमारा सिस्टम जो है, क्योंकि उस वक्त लो है, इम्यूनिटी लो है एक बेसिक कोल्ड कॉफ की वजह से. सो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी और हमारे बेबीज़ की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि वो इन बेसिक फ्लू और कोल्ड कॉफ को भी फाइट कर सके, ताकि हम दूसरी वायरसेस को लेकर ज़्यादा प्रोन ना हो जाए. इसलिए जैसा मैंने कहा कि अवॉइड सोशलाइजिंग. जैसे रिसेंटली अभी होली गई तो मुझे और समायरा दोनों को होली खेलना बहुत पसंद है, लेकिन हमने एक बहुत ही क्लोज निट फ्रेंड का ग्रुप है हमारा, जहाँ पर एक गेट टुगेदर था, हम सिर्फ वहाँ गए. समायरा का बहुत दिल था होली खेलने का, पानी से खेलने का, लेकिन ये डेफिनेटली एडवाइजेबल नहीं था. तो मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया, उसे ये बात बताई कि किस तरह से इस वक्त एक ग्लोबल आउटब्रेक है और पूरे वर्ल्ड में ये बहुत ही बड़ा एक स्केयर है, एक डेंजर है जिससे हम सब लोग गुजर रहे हैं और फेस कर रहे हैं. सो आई एक्सप्लेन्ड इट टू हर एंड आई टोल्ड हर दैट इट इज़ नॉट एडवाइजेबल दैट वी प्ले होली दिस ईयर, एंड वो इस बात को समझी और हमने इस बार होली सिर्फ दोस्तों के साथ खुश होकर अच्छा टाइम स्पेंड करके मनाई, बजाय इसके कि हम रंग खेलते. सो हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, बट फॉर अ बिगर बेटर कॉज दिस कॉम्प्रोमाइज वॉज वर्थ इट. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करना और हैंड सैनिटाइज करना जब हम घर से बाहर हों. एज आई सेड कि आप कोशिश करें कि जितना हो सके घर में रहें, तो घर में आपको सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं है, यू कैन वॉश हैंड्स. बट अगर किसी कारण से आपको बाहर जाना पड़े, सो प्लीज़ डू कैरी सैनिटाइजर विद यू एंड ट्राई टू सैनिटाइज योर हैंड्स एवरी फ्यू मिनट. से 10 से 15 मिनट में आप अपने बच्चों के हाथ सैनिटाइज ज़रूर करवाएं, क्योंकि हम बड़े हैं, हम ध्यान रख सकते हैं कि हम अगर कहीं बाहर गए हैं तो हम अननेसेसरी चीज़ों को इधर उधर हाथ ना लगाएं, ताकि हमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन कैच करने का डर ना रहे. लेकिन बच्चे जो होते हैं वो बहुत चंचल होते हैं, और ये बात जानते हुए भी वो इस बात का ध्यान नहीं रख पाते हैं. मैं जैसे समायरा को भी देखती हूँ, मैं कितनी ही बार उसे दिन में बोलती रहती हूँ कि यहाँ हाथ मत लगाओ, वहाँ हाथ मत लगाओ, लेकिन अगर घर से बाहर गए तो वो कहीं ना कहीं हाथ लगाते ही रहते हैं. इसलिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कैरी सैनिटाइजर विद यू, और अपने बेबीज़ को हर थोड़ी देर में उनके हैंड्स सैनिटाइज करते रहिए और साथ में खुद के भी कर लीजिए. हेल्दी फूड इज़ अगेन गोइंग टू रियली हेल्प कीप आर इम्यूनिटी हायर एंड बूस्ट इट. इसलिए प्लीज़ कोशिश कीजिए हेल्दी फूड खाने की. कोशिश करें कि इस वक्त होम मेड और होम कुक फूड ही खाएं, बजाय इसके कि आप बाहर जाएं या बाहर से खाना ऑर्डर करें. वी ऑल लव टू ईट आउट, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम कुछ टाइम तक कंट्रोल कर सकते हैं बाहर जाना या बाहर से खाना मंगा कर खाना. ईट होम कुक फूड एंड अवॉइड करें कोला या आइसक्रीम्स या ऐसी कोई भी ठंडी चीज़ जिससे बच्चे को थ्रोट इन्फेक्शन होने के चांसेस हों, बिकॉज अगर थ्रोट इन्फेक्शन होगा तो अगेन द सेम रिस्क ऑफ इम्यूनिटी गोइंग लो इज़ देयर, एंड देन द रिस्क ऑफ कैचिंग अदर वायरसेस इज़ देयर. सो आप पूरी कोशिश ये करें कि आप अपने बच्चे को खाने में भी वही चीज़ें दें जिससे उन्हें किसी भी किस्म का थ्रोट इन्फेक्शन या कोल्ड और कॉफ होने की कोई भी रिस्क ना रहे. एंड देन वन वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्टे हाइड्रेटेड.
क्योंकि जब आप हाइड्रेटेड रहते हैं, ज्यादा पानी पीते हैं, तो टॉक्सिन्स हमारे सिस्टम से जल्दी बाहर निकल जाते हैं। इसलिए जितना ज्यादा हो सके आप पानी पीजिए और अपने बच्चे को भी पानी पिलाइए। और वंस इन अ वाइल दिन में अगर हो सके तो गर्म पानी पीजिए, बिकॉज ऐसा कहते हैं कि ये जो वायरस अटैक करता है ये पहले आपके थ्रोट पे अटैक करता है, और अगर आप गर्म पानी पिए सो इट मे हेल्प। आई एम नॉट सेइंग दैट फॉर श्योर इट विल हेल्प, बट इट मे हेल्प इन फ्लशिंग आउट दैट टॉक्सिन एंड किलिंग दैट वायरस फास्टर एंड बेटर। सो ट्राई एंड स्टे हाइड्रेटेड एंड ड्रिंक वार्म वाटर। और ये सारी चीज़ें जो मैं समायरा के लिए फॉलो करती हूँ, ये मैं खुद के लिए भी फॉलो कर रही हूँ। हर ये सेफ्टी मेजर जो हम बच्चों के लिए फॉलो करें, ये हमारे लिए भी लागू होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि इस वक्त ये जो एक डेंजरस वायरस है ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए डेंजरस है, ये हम सब के लिए डेंजरस है। सो अगर हम हेल्दी हैं तो हम अपने बच्चे को भी हेल्दी रख सकते हैं। तो हमेशा जैसा मैंने कहा है कि इफ़ द मदर इज़ हेल्दी, मदर कैन टेक केयर ऑफ द एंटायर फैमिली। सो प्लीज़ जब अपने बच्चे की प्रोटेक्शन सोचे तो साथ में खुद की प्रोटेक्शन की भी सोचे। आप ये सारी चीजें खुद के लिए भी फॉलो करें, पूरी फैमिली के लिए फॉलो करें, ताकि आप, आपका बच्चा और आपकी पूरी फैमिली सेफ रहे और हेल्दी रहे। आई रियली होप एंड प्रे कि आज जो ये हमारे ह्यूमन रेस के ऊपर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, ये बहुत ही जल्द सॉल्व हो सके। हमारी गवर्नमेंट और हर देश की गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है अपने सिटीजन्स को सेफ रखने की। सो आई रियली रियली होप एंड प्रे कि हम सब मिलजुट कर अपने आप को और अपने साथ वाले सबको इस डेंजर से बाहर निकाल सके, जल्द से जल्द ये खतरा हमारे सर से टल जाए और हम सब लोग एक बार फिर से खुली हवा में चैन की सांस ले सकें। विशिंग यू ऑल ग्रेट हेल्थ।